हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस आलू के चिप्स। आलू के चिप्स बनाने के लिए गाइस बड़े साइज के आलू लिए हैं मैंने। तो चिप्स आप पूरी वीडियो देखिएगा, चिप्स मेरे बिल्कुल व्हाइट और सफ़ेद कैसे रहेंगे आप सालों साल रख सकते हैं और ख़राब भी नहीं होंगे गाइस। तो जो वीडियो पूरी देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो गाइस आलू तो ले लिए हैं बड़े बड़े। तो आलू को चिप्स बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आलू को छीलेंगे। तो गाइस इसको उबालना नहीं है, ऐसा ही कच्चे छीलना है। तो छीलने के बाद इसको पानी में डाल देंगे। तो गाइस मिलते हैं आलू छील के और पानी में डालने के बाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आलू के चिप्स बनाने के लिए और मैंने आलूओं को इस तरीके से छील लिए हैं। छीलने के बाद पानी में ही डाला है और इस तरीके प्रोसेस से बनाइएगा गाइस, तो आपके चिप्स परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। और बनाएंगे आलू के लच्छे, जो मैं बनाऊंगी कच्चे आलू से लच्छे। तो गाइस चिप्स बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने लिया है मशीन चिप्स कसने के लिए। तो इस तरीके से आलू के चिप्स बनाने के लिए ये ले लिए मशीन और इस तरीके से चिप्स बनाएंगे। तो चिप्स जब बनाएंगे गाइस तो पानी में ही डालना है और पानी से अगर अलग कर देंगे तो काले हो जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं कि चिप्स बनाएंगे, ये बन रहे हैं आलू के चिप्स। और डिजाइन वाले अगर बनाना है तो इधर घुमा लेंगे और इसमें इस तरीके से डिजाइन वाले बना लेंगे और फिर इसको ये तरफ की जो डिजाइन बनी हुई है फिर इसको घुमा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन वाले चिप्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो गाइस सारे जितने आलू हैं इनको मैं चिप्स बना लेते हैं। और जो मैं लच्छे बनाऊंगी आलू के कच्चे वाले लच्छे, तो लच्छे बनाने के लिए भी गाइस जैसे ये आलू लेंगे, क्योंकि इसको पानी में ही रखना है गाइस। तो ये कद्दूकस लिया है मैंने, तो इससे जो लच्छे बनाएंगे ये वाले जो लच्छे हैं ये बनाएंगे थोड़े से। तो गाइस लच्छे भी आप देख सकते हैं कि लच्छे भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। इस तरीके से लच्छे बना लेंगे। तो गाइस मिलते हैं कद्दूकस करने के बाद, चिप्स बनाने के बाद। और इस पानी को गाइस दो तीन पानी से चिप्स को धोना है। और इसमें एक प्रोसेस आपको ये करना है कि मैं इसमें डालूंगी फिटकरी। तो फिटकरी जो है इसमें हल्का सा पानी में फिटकरी डालूंगी ताकि आपके चिप्स काले ना हो। तो ये फिटकरी को थोड़ा सा पानी में इस तरीके से कर देंगे, पानी में छोड़ना नहीं है फिटकरी को, बस पानी में थोड़ा सा कर देना है इस तरीके से कि पानी साफ हो जाए। फिटकरी को निकाल लेंगे। मिलते हैं गैस चिप्स बनाने के बाद। तो गैस चिप्स को आप देख सकते हैं कि मैंने बाल्टी में इस तरीके से पानी में डाल दिए हैं कस के, और ये सारे चिप्स बन गए हैं। आप देख सकते हैं गाइस ये चौकोर वाले बनाए हैं और मैंने ये प्लेन वाले भी बनाए हैं। तो अब इसको गाइस ज़्यादा पानी से कम दो तीन पानी से इसको अच्छे से धो लेंगे, तो इसका पानी का जो आलू का सत होता है वो निकल जाता है। और इसको धोना, जितने अच्छे से आप धोएंगे गाइस वैसे ही आपके चिप्स एकदम सफ़ेद निकल के आएंगे। तो अब इसको गाइस धो लेते हैं दो तीन पानी से। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने बाल्टी वाली जो पानी था वो इसमें डोलची में पलट दिया है और मैं कुछ ज़्यादा पानी से इस तरीके से धो रही हूँ। और फिटकरी तो मैंने लगाई दी थी पहले, इस तरीके से कुछ ज़्यादा पानी से धोएंगे तो परफेक्ट आपके चिप्स आलू के बनेंगे। तो इसको मैंने खोचे से धो लिए हैं और इसमें आलू के जो लच्छे बनाए थे वो भी इसमें पड़े हुए हैं। गैस को गैस ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे भगोना। तो पानी को गैस इसको गर्म करेंगे चिप्स बॉयल करने के लिए। पानी में खोल लगाने के लिए गाइस इसको ढक देंगे और जब इसमें खोल आ जाएगी तभी इसमें चिप्स डालना है, इससे पहले नहीं डालना है। मिलते हैं खोल आ जाने के बाद। पानी में गाइस खोल आने वाली है। अब जो मैंने चिप्स कटिंग करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब पानी में खोल आने लगी तब मैंने ये चिप्स डाल दिए। अब इसको चिप्स को एक थाली से इस तरीके से ढक देंगे और इसमें अच्छे से खोल का इंतजार करेंगे। तो गाइस चिप्स को इस तरीके से ढक देंगे थाली से और इसमें खोल आने का इंतजार करेंगे। मिलते हैं खोल आ जाने के बाद। तो गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है। चिप्स को गाइस इस तरीके से पलट देंगे कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देंगे। अब इसको इस
तरीके से उठाएंगे कुछली से और इसे पलट देंगे ताकि बराबर से उबल जाए। नीचे कच्चे पक जाएंगे और ऊपर कच्चे रहेंगे तो गैस आपके काले हो सकते हैं, तो इसको इस तरीके से पलट देंगे और इनको चारों तरफ से हिला देंगे इस तरीके से। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गैस इसको पलटने में कि क्योंकि बच्चों की भरा है, भरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं कर दूंगी। तो गैस इसको मैंने अच्छे से पलट दिया है, इसकी दिशा चेंज कर दी है, फिर वापस इसको ढक देंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि चिप्स में खोल आ गई है और खोल आ जाने के बाद क्या रहता है कि आप देख सकते हैं जब पर्चली जब पहले मैंने लगाई थी तब पर्चली कितनी टाइट चल रही थी, अभी आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट चल रही है ये पर्चली, बहुत ही आसानी से ऊपर आ जा रहे हैं चिप्स, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही है। पहले प्रॉब्लम हो रही थी, अब नहीं हो रही है क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। गैस को ऑफ कर देंगे। इस तरीके से गैस आप चिप्स को बॉयल कर सकते हैं और तो ये परफेक्ट चिप्स बॉयल हो चुके हैं और खोल भी आ रही है। अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ। अब इसको वापस डोलची में डाल देंगे और ये चिप्स को दबा के भी देख सकते हैं आप कि बॉयल हो गए हैं कि नहीं, तो आप देख सकते हैं कि बस सॉफ्ट हो गए हैं ये, ज़्यादा नहीं गलाना है, ज़्यादा गलाएंगे तो चिप्स आपके बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। सो बस आलू के चिप्स बॉयल हो चुके हैं और मैंने डोलची में डाल दिए हैं और पानी जो खोल, बहुत ही आसानी से करना है गाइस काम क्योंकि खोलता हुआ पानी है, दोनों तरफ से भगवाने को अच्छे से कपड़े से पकड़ना, पकड़ से नहीं पकड़ना, पकड़ से अगर आप उठाएंगे तो ये 100% आपका भगवाना गिर जाएगा, तो जो कि कपड़े से ही मैंने उठाया है और उठाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि चिप्स अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो ऑलरेडी अभी बहुत गर्म है तो गर्म में ही थोड़ा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आलू को चिप्स एक चिप्स ले लेंगे और इसको यूँ दबाएंगे तो अच्छे से दब रहा है तो ये परफेक्ट बॉयल हो चुका है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ज़्यादा बॉयल करेंगे तो आपके चिप्स जो है बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे तो पता लगेगा चिप्स है कि आलू का हलवा है, तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा टाइमिंग के लिए गाइस। जब उसमें खोल आने वाली हो पानी में तब वो चिप्स डालिएगा और जब खोल आ जाए, खोल आ जाने के बाद उसको थाली से ढकने के बाद फिर जब खोल आ जाए परफेक्ट, तो उसको चलाने के बाद गैस को ऑफ कर देना है और चिप्स आपके इस तरीके से बनके तैयार हो गए। देर ना करते हुए गाइस इसको ले जाएंगे धूप में और धूप में इसको एक एक करके फैला देंगे। तो चलते हैं गाइस छत पर धूप में और फैलाने के लिए गाइस बंदी में ही फैलाइएगा, अवेलेबल ना हो तो आप धोती दुपट्टे में भी फैला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें चिपक जाते हैं, तो अगर पन्नी हो तो पन्नी में ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। सो गाइस धूप में पन्नी बिछा लेंगे, इस तरीके से मैंने पन्नी बिछा ली है और यहाँ पर डाल देंगे चिप्स और चिप्स के लिए गाइस इस तरीके से एक एक फैलाना है। ये जो है पलट गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से धूप अच्छे से मिलनी चाहिए, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने ही अच्छे चिप्स आपके बनेंगे। तो गाइस सारी चिप्स को इस तरीके से एक एक करके फैला देंगे और इसमें आलू के लच्छे भी हैं। तो गाइस मिलते हैं ये चिप्स फैलाने के बाद और इसके जो जब ये सूख जाएंगे तो पूरी वीडियो देखिएगा गाइस, मिस नहीं कीजिएगा, और इस तरीके से सारे चिप्स को फैला देंगे एक एक करके। बिल्कुल सफ़ेद चिप्स बने हैं। मिलते हैं गाइस चिप्स के सूख जाने के बाद, ये आप देख सकते हैं कि ये चिप्स को मैंने इस तरीके से फैलाए रहे हैं, तो फैलाने के बाद ये सूख जाएंगे, आपस में जो चिपक जाते हैं इनको भी अलग करना है एक एक करके।